हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जेएस वर्सेस मनस्टैक के बारे में। क्या नेक्स्ट जेएस मनस्टैक को डोमिनेट करेगा? अगर आप मनस्टैक सीख रहे हैं तो आपको क्या नेक्स्ट जेएस भी सीखना चाहिए? मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नेक्स्ट जेएस है क्या एक्चुअली में, एंड नेक्स्ट जेएस मनस्टैक में क्या डिफरेंसेज हैं। हम परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करेंगे, एंड मैं आपसे लेटेस्ट रोड मैप भी शेयर करूंगा नेक्स्ट जेएस का। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं या मनस्टैक सीख रहे हैं तो फिर आपको नेक्स्ट जेएस कैसे सीखना चाहिए, एंड नेक्स्ट जेएस की जॉब्स के बारे में भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। नेक्स्ट जेएस के रिलेटेड मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इसे एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले समझते हैं कि नेक्स्ट जेएस है क्या। नेक्स्ट जेएस रिएक्ट लाइब्रेरी पे एक फ्रेमवर्क है जो हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देता है ओवर रिएक्ट लाइब्रेरी। नेक्स्ट जेएस को वर्सल ने लॉन्च किया था 2016 में, नेक्स्ट जेएस लॉन्च हुआ है तो रिलेटिवली नया फ्रेमवर्क है ये, एंड हमें काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। जैसे SSR हम इनेबल कर सकते हैं, SSG का यूज़ कर सकते हैं, इवन API राउटिंग भी हम नेक्स्ट जेएस में कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस होता है, एंड क्या एक्स्ट्रा हमें फीचर्स मिल रहे हैं। लाइब्रेरी को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो एंड जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, रेट्रोफिट एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरीज आपको फंक्शंस देती हैं, आप फंक्शन को कॉल करते हो एंड अपना टास्क परफॉर्म करते हो। लाइब्रेरी कभी भी आपके कोड को कंट्रोल नहीं करती है, मतलब आपको किस तरीके से कोड लिखना है, कैसे फोल्डर बनाने हैं, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, तो ये चीज़ें लाइब्रेरी कभी भी कंट्रोल नहीं करती है। कंपेयर टू फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क आपका कोड भी कंट्रोल करता है, मतलब फ्रेमवर्क आपको फंक्शंस भी देता है एंड फ्रेमवर्क बताता है कि आपको कोड किस तरीके से लिखना है, आपको फोल्डर का क्या नाम देना है, फाइल का आपको क्या नाम देना है, फंक्शंस का क्या नाम होना चाहिए। तो फ्रेमवर्क आपको पूरा डिज़ाइन बता देता है कि आपको ऐप बनानी कैसे है, आपको कोड किस तरीके से लिखना है, तो फ्रेमवर्क ज़्यादा कंट्रोल करता है आपके कोड को, इसीलिए फ्रेमवर्क की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है कंपेयर टू लाइब्रेरी। एंड बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो आपकी कोड की सैनिटी मेंटेन रहती है, मतलब कोई भी अपनी मर्जी से कोड नहीं लिख पाता है, उसको फ्रेमवर्क के अंदर रह के ही कोड लिखना होता है। तो रिएक्ट एक लाइब्रेरी है एंड नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है ओवर रिएक्ट लाइब्रेरी। अब SSR को समझते हैं। लेट्स से आपने एक वेबसाइट बनाई है एंड आपने उसको डिप्लॉय कर दिया है, आप अपने क्रोम ब्राउजर में उस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जावास्क्रिप्ट का कोड डाउनलोड हो जाएगा एंड आपका ब्राउजर उस जावास्क्रिप्ट के कोड को प्रोसेस करेगा। अगर कुछ API कॉल्स करनी है, जैसे प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड करनी है, लेटेस्ट अपडेट्स डाउनलोड करने हैं, पोस्ट डाउनलोड करने हैं, वो डाउनलोड करेगा, तब तक आपको लोडिंग स्क्रीन दिख रही होगी एंड जैसे ही सारा डेटा लोड हो जाएगा तो आपको वेबसाइट दिखने लग जाएगी। तो इसे कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड आपके पास आ रहा है, अब आप क्लाइंट साइड पे मतलब अपने ब्राउजर पे डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, API कॉल कर रहे हो एंड वेबसाइट लोड कर रहे हो। सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब होता है आपने API कॉल की, अपनी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो तो सर्वर उस वेबसाइट को पहले प्रोसेस कर रहा है, देख रहा है कि कौन कौन सी API कॉल करनी है, कौन सा डेटा डाउनलोड करना है, और वो सारा डेटा डाउनलोड करके एक प्रॉपर वेब पेज बना रहा है आपके लिए और आपको वेब पेज सेंड कर रहा है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि लोडिंग स्क्रीन नहीं आती आपको, आपको वेब पेज जल्दी से दिख जाता है क्योंकि सर्वर में प्रोसेसिंग भी फास्ट हो रही होती है एंड इंटरनेट भी फास्ट होता है। तो नेक्स्ट जेएस हमें हेल्प करता है सर्वर साइड रेंडरिंग इंप्लीमेंट करने में। रिएक्ट में ये इनबिल्ट नहीं होता, रिएक्ट में हमें एक्सटर्नल टूल्स की हेल्प लेनी होती है। स्टेटिक साइट जनरेशन की बात करें तो ये भी सिमिलर ही है, इसमें हम स्टेटिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं एंड बिल्ड टाइम पे हम स्टेटिक पेजेस बना देते हैं, जैसे HTML का पेज हम स्टेटिक बिल्ड टाइम पे बना देते हैं। एंड API routes का मतलब है कि नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क पे हम API route बना सकते हैं, API कॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये एक बैकएंड का फीचर होता है, तो इसलिए नेक्स्ट जेएस में बैकएंड कैपेबिलिटीज भी हैं एंड फ्रंट एंड कैपेबिलिटीज भी हैं। तो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज करते हैं कि फुल स्टैक इज इक्वल्स टू नेक्स्ट जेएस, बट थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं जिसको हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। डिफरेंसेस की बात करें तो नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट जेएस, एंड मनस्टैक एक फुल स्टैक सोल्यूशन है, मतलब मनस्टैक में आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना सकते हो, आप कंप्लीट बैकएंड बना सकते हो एंड फ्रंट एंड बना सकते हो। नेक्स्ट जेएस SSR एंड SSG को सपोर्ट करता है, एंड मनस्टैक में अगर आपको SSR चाहिए तो आप रिएक्ट में ही इंप्लीमेंट करेंगे, तो रिएक्ट में आपको एक्सटर्नल टूल्स की हेल्प लेनी होगी या फिर आपको मैनुअली इंप्लीमेंट करना होगा SSR।
तो रिएक्ट इनबिल्ट आपको ये फीचर नहीं देता है। तो मेजरली रिएक्ट क्लाइंट साइड रेंडरिंग पे डिपेंड करता है, मतलब आपको जावास्क्रिप्ट कोड दे देगा, ब्राउजर आपका उस कोड को प्रोसेस करेगा। जैसे लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जेएस पे आप एपीआई राउट्स बना सकते हो, तो मतलब बैकएंड एंड फ्रंट एंड आपका एक ही प्रोजेक्ट में होगा। मन स्टैक जो होता है उसमें बैकएंड एंड फ्रंट एंड डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आप बैकएंड एक्सप्रेस जेएस में बना रहे होगे, मोंगोडीबी का यूज कर रहे होगे, तो बैकएंड एक अलग ही प्रोजेक्ट चल रहा होगा। फ्रंट एंड में आप रिएक्ट का यूज कर रहे होगे तो फ्रंट एंड एक अलग ही प्रोजेक्ट चल रहा होगा। अब आपका बैकएंड मोबाइल एप्स भी यूज कर सकती हैं, एंड्रॉयड एप्स, iOS, या फिर आप सर्वर टू सर्वर API कॉल भी कर सकते हो अपने बैकएंड प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए मन स्टैक यहाँ पर सुपीरियर है कंपेयर टू नेक्स्ट JS। मतलब मन स्टैक आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देता है, आपको प्रॉपर बैकएंड एलिमेंट भी सिखा देता है एंड फ्रंट एंड एलिमेंट भी सिखा देता है। नेक्स्ट JS का ज़्यादा फोकस फ्रंट एंड पे है, इसलिए नेक्स्ट JS की SEO कैपेबिलिटीज भी अच्छी हैं। जैसे सर्वर साइड रेंडरिंग हो रही है तो वेब पेज आपका जल्दी से लोड हो रहा होगा, तो जो भी बॉट होता है सर्च इंजन का वो वेबसाइट के पेज को जल्दी से प्रोसेस कर लेता है, इससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है। कंपेयर टू रिएक्ट क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही होगी तो वेब पेज को लोड करने में टाइम लगेगा, इसलिए आपकी रैंकिंग भी इतनी अच्छी नहीं होगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट JS बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा आपको फ्रंट एंड ऐप्स में। आप रिएक्ट JS की ऐप जो नेक्स्ट फ्रेमवर्क में बनाएंगे वो बहुत अच्छी परफॉर्म करेंगी। आपको बिल्ट इन SSR मिल जाएगा, SSG मिल जाएगा, सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट्स आपको मिल जाएंगी, आपकी वेबसाइट का इनिशियल लोड टाइम अच्छा होगा जिससे आपका SEO स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। कंपेयर टू मन स्टैक में क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही होगी एंड क्लाइंट के एंड पे इंटरनेट की स्पीड कैसी है, डिवाइस की कैपेबिलिटी कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा लोड टाइम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं होगी, बट मन स्टैक में फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी आता है, तो बैक एंड में कैपेबिलिटीज मन स्टैक की काफी अच्छी हैं। आप प्रॉपर बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं मन स्टैक में। नेक्स्ट JS का फोकस मेजरली फ्रंट एंड ऐप्स में है, तो अगर आपको प्रॉपर बैक एंड डेवलपमेंट करनी है तो आपको एक्सप्रेस का यूज करना होगा या फिर आप पाइथन जावा सीख सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है कि आपको मन स्टैक में या जावा बैक एंड स्टैक में क्या चूज करना चाहिए, क्या क्या डिफरेंसेज हैं, तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, उससे आपको बैक एंड स्टैक का काफी अच्छा आइडिया लग जाएगा। रोड मैप की बात करें तो अगर आप नेक्स्ट JS सीखना चाहते हो तो पहले आपको HTML, CSS, JavaScript सीखनी होगी, उसके बाद आपको React JS सीखना होगा बिकॉज नेक्स्ट JS React पे ही बेस्ड है। जब आपने React JS सीख लिया उसके बाद आप नेक्स्ट JS सीख सकते हो, तो नेक्स्ट JS आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा एंड आपके लिए काफ़ी अच्छा स्किल सेट भी ऐड हो जाएगा। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट JS सीखना चाहिए। नेक्स्ट JS की फ्यूचर में काफी अच्छी डिमांड होने वाली है, काफी प्रॉमिसिंग फ्रेमवर्क है ये एंड इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है कंपेयर टू React JS। बट अगर आप मन स्टैक सीख रहे हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मन स्टैक पूरा सीख लें, जो आप कोर्स कर रहे हैं मन स्टैक में उसे आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप नेक्स्ट JS सीखें। नेक्स्ट JS मेजरली फ्रंट एंड में ही हेल्प करेगा, मन स्टैक आपको फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों चीज़ें सिखा देगा एंड अगर आपको React JS अच्छे से आता होगा तो आपके लिए नेक्स्ट JS सीखना भी आसान हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर ही होंगी। डिटेल्ड रोड मैप की बात करें तो आपको GitHub पे काफ़ी अच्छा रोड मैप मिल जाएगा नेक्स्ट JS का। यहाँ पर आपको फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे अगर आप SSG सीखना चाहते हैं, सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट सीखना चाहते हैं, तो आपको उसके रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टेलविंड CSS के रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो यूडीमी पे एक कोर्स है नेक्स्ट JS का। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको ये कोर्स लेना है या नहीं लेना है, ये आपकी चॉइस है, बट यहां पर आपको कोर्स काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इसका। यहां पर आप एज अ बिगनर नेक्स्ट JS सीखेंगे, आप यहां से टॉपिक्स देख सकते हैं एंड गूगल में आप इसके बारे में लर्न कर सकते हैं। जैसे अगर आप नेक्स्ट JS में कैशिंग टाइप सीखना चाहते हैं तो यहां पर आपको कैशिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, इन टॉपिक्स को आप गूगल में सर्च कर सकते हैं एंड इसके बारे में आप फ्री में सीख सकते हैं। तो इस कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप ज़रूर कमेंट कर देना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।